एक लाइन कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्स इक्वल टू जीरो, वैसे भी नहीं बताया जाएगा तभी भी हमारा जो सिलेबस है वो मीन पोजीशन ओरिजिन पे ही होता है विथ एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी है। स्पीड ऑफ द पेंडुलम एक्स इज इक्वल टू ए बाई टू, एम्पलीट्यूड के आधे पर कितनी स्पीड होगी। तो स्पीड पोजिशन डिपेंडेंट भी होती है और स्पीड टाइम डिपेंडेंट भी होता है। तो अभी कौन सा इक्वेशन यूज होगा, स्पीड पोजिशन डिपेंडेंट ये होता है ऐसे सब। ये मीन पोजिशन है, पार्टिकल इधर जाएगा, एक्सट्रीम पर रुकेगा, वापस आएगा, यहाँ रुक नहीं पाएगा, आगे चला जाएगा, फिर लौट के आएगा, और ऐसा इनफाइनाइट टाइम तक होता रहता है। एक बार हो गया ऐसे चम तो इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, वो ऐसे चम होता है। तो हमेशा ऐसे चम स्ट्रेट लाइन में होता, ऑलवेज रिमेम्बर। तो अब देखो स्पीड पोजीशन डिपेंडेंट होती है ओमेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ये वाली चीज होती है। अब ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, कब स्पीड निकालना है, जब एक्स की वैल्यू ए बाई टू हो यहाँ पर कहीं आधे पर। तो स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर ए अंडर रूट, इसका मतलब ये हुआ कि थ्री ए स्क्वायर बाई फोर अंडर रूट और इसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्पीड टाइम पीरियड का टर्म में लिखना है। तो एक्चुअली स्पीड इज इक्वल टू टू पाई ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू होता है टू पाई डिवाइडेड बाई टी टाइम पीरियड, भाई ऐसा होता है बहुत पहले से होता आ रहा है अभी से नहीं। तो ए बाई टू और रूट थ्री, तो टू ने टू को, तो पाई ए रूट थ्री और डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, पाई ए रूट थ्री डिवाइडेड बाई कैपिटल। अरे भाई रे भाई, कोई मैच नहीं किया गया, मैच क्यों नहीं करेगा, सी ऑप्शन सही है, एक बार की इसका चेक कर लेते हैं, चलो सही है। नेक्स्ट वीडियो पॉज करो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो रोबोट की तरह। ये जो क्वेश्चन